हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज मैं जाने वाली हूँ घोघड़ धाम, जो कासवाल के पास है। घोघड़ धाम वहाँ पे आज मैं जाने वाली हूँ, आप सबको लेके जाऊंगी। उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हमें निकलना है 7 बजे। मैं रेडी हो गई हूँ, मेरे घर पे सब रेडी हो रहे हैं, मेरे मम्मी पापा भाई सब रेडी हुए हैं। उसके बाद हम लोग सब जाएंगे, हम लोग बस में जाने वाले हैं और मैं सीधा आपको मंदिर के पास मिलूंगी, वहीं से मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। आज सोमवार है तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है, तो चलिए हम इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं, मंदिर के पास पहुंच गए हैं। बस कुछ ही दूरी पे मंदिर है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ है मंदिर में। ये बहुत दूर लाइन होते ना, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन लगे हैं सब। पश्चिम उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर घोघड़ धाम है। हर जगह से लोग आते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए। जैसा कि शिव का असली वार सोमवार है, इसीलिए सोमवार के दिन ज़्यादातर भीड़ होता है। सावन का असली मज़ा इन सब चीज़ों को देखने में आता है, तो आप भी देखते रहिए और बोलते रहिए बोल बम। Thank you.
सभी हम लोग ब्रिज पार कर रहे हैं और आधा आधा करके सब छोड़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। मेरी मम्मी भी पहुंच गई है, शायद पापा लोग पीछे रुक गए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे कांवरिया सबका भीड़ है। देख सकते हो आप, आज सोमवार है, बहुत ज्यादा भीड़ है।
सावन का हर सोमवार इस तरह से ही भीड़ होता है गोगड़ धाम में। हम सब अभी लाइन में लगे हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। सावन के इस पावन अवसर में फूलों से सजाया गया शिव मंदिर का द्वार कुछ इस तरह दिखता है। देखिए अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, इसीलिए मैं आपको अंदर का कुछ भी दिखा नहीं सकती, बाहर से ही सब कुछ आपको दिखा रही हूँ। मंदिर आना मतलब माथे पे टीका लगाना। यहाँ पे पंडित जी कुछ इस तरह से टीका लगा रहे हैं कि बिना कहे हर किसी को पता चल जाएगा कि आप भोलेनाथ के मंदिर गए थे। आज आपने बहुत संख्या में गोवर्धन में
मिट्टी का बाहर करो। युवराज सिंह चौहान नैलागंज के, यहाँ बैठे आपके साथी आपके पेपर गार्ड के नीचे घूम रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो शिवलिंग के साथ शिवजी का मूर्ति भी है और यहाँ पे भी लोग पूजा कर रहे हैं, हम भी अभी पूजा करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। अभी हम वापस लौट रहे हैं, रास्ता में रुकेंगे और कुछ नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। पहुंच गई हूं और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूं, इसलिए आने का मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं की हूं और आज का ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।